नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ बंसल हॉस्पिटल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ग्लॉकोमा क्या होता है। ग्लॉकोमा एक आंखों की बढ़ती उम्र की बीमारी है, जिसमें ना कोई दर्द होता है ना कोई परेशानी होती है, और मरीज़ धीरे धीरे करके अपनी रोशनी खोता चला जाता है और अंत में वो अंधत्व का शिकार हो जाता है। इसे हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं। इसमें खोई हुई रोशनी इलाज से वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि नस हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से ग्लॉकोमा का जल्द पहचान कर समय पर इलाज आँखों की रोशनी को बचा सकता है। जल्द पहचानने के लिए 40 साल की उम्र के बाद अपनी सालाना जांच कराएं। स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप, जो लोग डायबिटिक हैं, मायोपिक हैं, जिनको कभी आंखों की चोट लगी है या आंखों में कोई ऑपरेशन हुआ है, आंखों में दर्द हो रहा है, या लंबे समय तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी, अगर फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा है, तो ये सब हाई रिस्क ग्रुप हैं जिन्हें अपनी सालाना नियमित जांच कराना चाहिए। इसमें क्योंकि प्रारंभिक कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो इसका नियमित सालाना जांच के दौरान ही पता चलता है। कुछ लोगों को आंखों में दर्द, सर में दर्द, लाइट के चारों तरफ रंगीन गोले दिखने जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें आंखों की जांच में टोनोमीट्री यानी आंखों का प्रेशर, ओसीटी आंखों की ऑप्टिक नर्व की जांच और फील्ड टेस्ट करके ग्लॉकोमा को पहचाना जाता है, और इलाज के लिए लेज़र, आई ड्रॉप्स या ऑपरेशन का सहारा लिया जाता है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जागो मरीज जागो, कहीं ग्लॉकोमा के पहचान में देर न हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।